अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अभी आपको दिखाते हैं डाई मशीन से। ये डाई मशीन है, उससे बटन बनाना बताएंगे जो कपड़े में, पैंट्स में और कुर्ते में लगते हैं, तो वो बटन बनाना बताएंगे, लगाना बताएंगे। फिर उसके बाद हमने जो पाकिस्तानी ड्रेस बनाया वो दिखाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि बटन कैसे बनता है। तो बटन में कुछ ऐसे होते हैं और ये वाले होते हैं। ये इससे बटन बनती है और इससे डाई मशीन में रख के बनाया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे बटन बनती है। तो ये हमारा कपड़ा है, ये धागा है और ये कैची है। तो हम इसको कपड़े को दो पर रख करके, ऐसे दो पर रख, क्योंकि सिंगल नहीं हो पाता है, दो पर रख करके, देखिए दो हैं, दो पर रख करके इसको, इस बटन को इसके अंदर डाल के इसको ऊपर से ऐसे और फिर कोई धागे से भी वो टाइट करके इसको लपेट लेंगे। फिर इसको पास से, बहुत पास से, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये बन गया, ये ऐसे हम और बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, और दूसरा ये और बन गया। तो हमारे इतने बटन बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको डाई मशीन में हम लगाते हैं। ये डाई मशीन है, ये बड़ा छोटा आता है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमें ये चाहिए। तो पहले ये यहाँ लगेगा, यहाँ एक नट लगा हुआ है, तो इसको टाइट कर दीजिए। फिर ये ऐसे, फिर इसके अंदर ऐसे नट थोड़ा टाइट करके, फिर ये ऐसे आता है, ये ऐसे होता है, ये जो थोड़ा गहरा होता है ये ऐसे अंदर करके आप डाल दीजिए। फिर इस बटन को, जो हमने बटन बनाई है, इस बटन को ऐसे, इस बटन को आप इसमें ऐसे डाल दीजिए, ऐसे इसमें डाल दीजिए। और जो ये वाले बटन है, ये वाले, इसको ऐसे पलट के दिखाते हैं, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे छेद वाले अंदर, मतलब आपको ऐसे रखने हैं बटन को, ऐसे ऐसे नहीं रखने हैं, ऐसे रखने हैं। तो इस बटन को ऐसे हम इसी में डाल देंगे। तो देखिए, फिर हमने बटन डाला है, इसमें डाला, अब इसको ऐसे ऐसे करके इसमें तीन चार बार टाइट हाथों से, मैं उल्टे हाथ से कर रही थी इसलिए। ये देखिए बटन बन के तैयार हो गया, ये हमारा बटन बन के तैयार। चलिए सारे बटन बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो हमारे बटन बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए, ये बटन बन के तैयार हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 बटन बन के तैयार हो गए। ये हम पैंट्स में लगाएंगे, तो हम लगा के फिर आपको ड्रेस दिखाते हैं। तो ये हमारी पैंट है, बटन लग चुकी है।
ये कलर नहीं सही आ रहा, ये पीच कलर की है, लाइट पीच, पीच कलर की। आगे पीछे दोनों बटन लग गई हैं। और ये शॉर्ट पैंट है, बहुत शॉर्ट है। तो ये पैंट है और इसका कुर्ता, ये पाकिस्तानी कुर्ता है, ये ऑनलाइन आया था किसी कस्टमर का है। तो ये मैंने कटिंग करते समय नहीं वीडियो बना पाई थी, तो नहीं दिखा पाई, स्टिच करते समय भी नहीं बना पाई। सुबह इसकी पैंट बनी है। तो ये कुर्ता है कुछ ऐसा, ए लाइन है, क्योंकि पाकिस्तानी कुर्ता स्ट्रेट नहीं अच्छा लगता, ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये इसका नेक है, नेक इसका बहुत खूबसूरत है, इसका नेक ऐसे है। और ये इसकी आस्तीन है, आस्तीन में धागे हैं तो ये फंस जाते हैं। ये इसकी आस्तीन है, इसकी आस्तीन है। और ये कुर्ता, इसका बैग कैसा है, इसका बैग बहुत सुंदर है, अंदर कंगूरा बना हुआ है, ट्रांजी है। शायद आप इसको ना दिख रहा हूँ, ये इसका बैग है ये। तो ये पाकिस्तानी सूट है, ये 3200 का था और तो मतलब जिस हिसाब से पैसा था उस हिसाब से ये ड्रेस नहीं थी। तो जिन्होंने मंगाया था उन्होंने बताया 3200 का है, पर मेरे ख्याल से इतना महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा ये 1500-2000 तक ये सूट मिल जाता है। और ये नेट का फैब्रिक है, ये नेट है। ये हो गया पाकिस्तानी सूट। और ये मैं जो कह रही थी कि रेडी टू वेयर ब्लाउज़ और वो है साड़ी, तो ये है, ये ब्लाउज़ है। इसमें साइड में जिप है, तो ये ऑल्टर के लिए आया था, ये छोटे साइज का था, तो ये बड़ा होना था बड़े साइज का। तो ये इसका कफ ऑफ सब चेंज हुआ है। और इसका बैग कैसा है, ये डार्क ग्रीन कलर का है, बिल्कुल डार्क ग्रीन। इसकी साड़ियों में भी दिखाते हैं आप लोगों को। फ़ोटो कैसे लगी, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आगे नेक्स्ट टाइम हम और अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे, जिससे आप लोग जल्दी से कपड़े बनाना, स्टिच करना, कटिंग करना सीख जाएंगे।
अभी हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पाते हैं, इतना समझ में नहीं आता, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आगे और अच्छी वीडियो लाएंगे। ठीक है, अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, बाय।